हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इन चैप्टर नंबर 11 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th, राइट। एट प्रेजेंटली वी आर ऑन लेक्चर नंबर 10 एंड वी स्टार्ट्स विद द ग्रुप नंबर 14, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। सो इन लास्ट लेक्चर्स वी स्टार्ट्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू द कार्बन फैमिली। And now we start another with a covalent radius, right? So what is the meaning of covalent radius? We know that this carbon or this particularly family is a major, they form a covalent bond. So here there is no ionic radius word is used, but here they use a covalent radius, right? So first, in simple manner, the covalent radius of group 14 elements, group 14 elements are smaller than the group 13, means corresponding group 13. पहले हम क्या कहेंगे कि ये जो चैप्टर है उसमें हमें कंपेरिजन 13 की 14 से कराएंगे, राइट। तो अभी ग्रुप 13 तो मेरा खत्म हो गया है, जो हमने बोरॉन फैमिली देखा था। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें मालूम है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों इस तरह से ग्रुप 13 से 14 का कोवेलेंट रेडियस कम हो गया है। तो दिस इज बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14 विद इन द सेम पीरियड, तो उसमें क्या होगा कि आपको मालूम होगा, मैं थोड़ा कम यहां पे लिख रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है राइट, वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। तो इंक्रीजेस होने की वजह से क्या होगा, तो कि जो कोवेलेंट हमारा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमें यहां पे देखने को मिला। फिर दूसरा क्या है कि कोवेलेंट रेडियस ग्रुप 14 एलिमेंट्स में, सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट, तो क्या होगा, उसका जो कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है वो इंक्रीज होगा, वो भी हमें मालूम है। इसका एक्सप्लेनेशन हम किस तरह से देख सकते हैं कि इट इज प्राइमरली ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ न्यू एनर्जी सेल्स, राइट, नए नए सेल्स, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे चले, जैसे कार्बन से मैं जैसे सिलिकॉन में चला गया, तो वहां पे 3p का एक सेल, यानी 3s 3p, यानी उसका प्रिंसिपल कॉन्टर नंबर 3 हो गया है। जर्मेनियम में 4th नंबर का जो सेल बढ़ रहा है, टीन में 5th नंबर का, लेड में 6th नंबर का, जो उसका जो एनर्जी सेल्स है विच इज एडेड इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट्स, तो द इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन ऑनवर्ड्स। हाउएवर द इंक्रीज कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन ऑनवर्ड्स इट्स लिटिल बिट स्मॉल ड्यू टू द इन इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इनवर्ड इंटरविंग डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, मैं आपको यहां पे मैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में थोड़ा डेटा आपको देना चाहता हूं। मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन का जो 77 मुझे यहां पे उसका कोवेलेंट रेडियस पाइकोमीटर में ये डेटा मुझे मिल रहा है। सिलिकॉन का यहां पे है 118 है, फिर मैं यहां आपको जर्मेनियम का दिखाऊंगा तो 122 तो बढ़ रहा है, राइट। टीन का भी मैं आपको दिखा रहा हूं 140 है, और लेड का मैंने अभी आपको दिखाया 146 है, राइट। तो यहां पे बहुत इतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है कि दिस इज ड्यू टू द इन इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इंटरवीनिंग डी एन एफ ऑर्बिटल्स। तो ये पहला मैंने कोवेलेंट रेडियस के बारे में मैंने आपके साथ बात की थी। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, इन द केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो इन कार्बन फैमिली द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर हायर देन दोस ऑफ द corresponding
ग्रुप 13 एलिमेंट्स, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइज कम होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल शॉर्ट में दिखाना चाहता हूं। बिकॉज ऑफ द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, इसका जो पॉइंट है वो क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है, और दूसरा क्या है, एंड स्मॉलर साइज ऑफ द एटम्स, स्मॉलर साइज ऑफ द एटम्स होने की वजह से इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हायर है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज स्टेडीली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम इसके इसको बारे में देख सकेंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जैसे मैं कार्बन से सिलिकॉन चला जा रहा हूं, राइट, सिलिकॉन से मैं यहां पे चला जा रहा हूं कहां पे, जर्मेनियम, जर्मेनियम से मैं कहां पे चला जा रहा हूं, टीन, और टीन से देखिए यहां पे एक एक आपको दिखाई देगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन का है ना वो ज्यादा है, सिलिकॉन का ज्यादा है, जर्मेनियम का ज्यादा है, लेकिन यहां पे एक दिक्कत, यहां पे देखिए ये इसका ऑर्डर है। मैं आपको इसका वैल्यूज भी दिखाना चाहता हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यूज है यहां पे क्या है, 1086 है, सिलिकॉन का केटला कितना है, 786, कम हो गया, 761 बिल्कुल कम हो गया, राइट, फिर यहां पे हो गया है 708 एंड 715, समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया बिल्कुल। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मैंने डेटा यहां पे आपको दिखाया हुआ है, तो फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज स्टेडीली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू टीन, देखिए कार्बन से टीन की तरफ जाने, लेकिन द डिक्रीज इज वेरी स्लो फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, राइट, व्हाइल देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेड एज कंपेयर टू द टीन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो देखिए ये बहुत सोचने वाली बात है, यहां पे कई बार इसका क्वेश्चंस भी पूछा गया है हमारी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। इन जनरल हम क्या बोलेंगे, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, जैसे 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 हम नीचे चले जाएंगे तो इसका तो मतलब हमें मालूम है कि इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, और दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों का जो यहां पे इन्फ्लुएंस चल रहा है, सो दिस रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो द ऑब्जर्व्ड स्मॉलर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम एंड स्लाइट इंक्रीज इन द केस इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन फ्रॉम टीन टू लेड इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग, राइट, यहां पे पुअर शील्डिंग हो रहा है ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम एंड टीन एंड डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इन लैड इन इंक्रीज एटोमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहां पे जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की मैं जो बात आपको पहले से समझा रहा हूं, तो वहां पे आपको देखना चाहिए कि ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट मुझे यहां पे दिखाई देगा। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, द ऑब्जर्व स्मॉलर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम, राइट, एंड स्लाइट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टीन टू लेड। तो यहां 708 से 715 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहां तो कम ही हो रहा था, तो फिर बढ़ने की वजह क्या हो रही है, तो कि बढ़ने की वजह यह हो रही है कि इसकी साइज तो यहां पर डेफिनेटली बढ़ रही है, लेकिन यहां पे क्या होगा कि जो लेड के बारे में बात कर रहा हूं, टीन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें कंबाइंड इफेक्ट पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए पुअर शील्डिंग था, पुअर शील्डिंग था, लेकिन कहा किसका था, डी इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, इन जर्मेनियम एंड टीन, और यहां पे भी पुअर शील्डिंग दोनों में, ये देखिए जर्मेनियम और टीन में पुअर शील्डिंग ऑफ मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन यहां पे पुअर शील्डिंग ऑफ क्या है, क्या है यहां पे, डी एंड एफ का, दोनों का पुअर शील्डिंग होने की वजह से, तो वो पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसका जो मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा मिल रहा है कुछ इस तरह से मुझे यहां पे मिल रहा है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो बिल्कुल सिंपल फंडा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी ग्रुप 14 की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसकी, ग्रुप 13 की, क्योंकि मुझे कंपेयर ही करना है इसके साथ। सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, देन द ग्रुप 13, क्यों, बिकॉज ऑफ द
स्मॉलर साइज। चलो ये तो समझ में आ गया। अभी जैसे जैसे हम नीचे चले जा रहे हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाउएवर डिक्रीज डाउन फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड रिमेंस कांस्टेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड। मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी पोलिंग स्केल के डेटा दिखाना चाहता हूं। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8, फिर यहां से आप देखेंगे जर्मेनियम में भी क्या है 1.8 है और टीम में भी क्या है 1.8 है और लिटिल बिट इंक्रीज इन द केस ऑफ लेड इज 1.9। ये मैंने पॉलिंग स्केल से ये डेटा आपको यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम यहां पे मुझे मिल रही है। तो ये थोड़ी बात मैंने यहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में दिखाई है। अभी नेक्स्ट मेरा चल रहा है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इन द केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम थोड़ा मिसेलेनियस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप देखिए कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 वो क्या होते हैं, सॉलिड्स। कार्बन से शुरू करके हम जहां पे भी जाएंगे सभी सॉलिड्स है, दे आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। तो मैं इस तरह से भी लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, चलो ये भी आपको पता चल गया। एंड हेंस लेस मेटालिक, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो क्या होगा, लेस मेटालिक कंपेयर टू ग्रुप 13, कंपेयर टू ग्रुप 13 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ग्रुप 13 से वो लेस है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर। क्यों, इसका इसका जो पॉइंट है मैंने अभी आपको बोला था कि स्मॉलर एटॉमिक साइज इसका जो फर्स्ट रीजन है। सेम वे एटॉमिक साइज से हमें मालूम है कि उसकी हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये उसके लिए यहां पे रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स है वो मैंने यहां पे आपको एंथैल्पीज, राइट। चलो ये समझ में आ गया। कार्बन जिसने मैंने पहले भी बोला था वो स्ट्रिक्टली नॉन मेटालिक्स है। मैं यहां पे थोड़ा मैं इसलिए भी यूज करना चाहता हूं स्ट्रिक्टली नॉन मेटालिक, चलो राइट। लेकिन सिलिकॉन है वो एसेंशियली नॉन मेटल्स है। सिलिकॉन मैंने बोला था वो नॉन मेटल्स है लेकिन स्ट्रिक्टली नॉन मेटल्स नहीं है, राइट। दूसरा मैंने जर्मेनियम के बारे में बात की थी, तो जर्मेनियम मैंने बोला था मेटालॉइड्स है। मेटालॉइड का यहां पे मीनिंग में इसलिए सेमी मेटल्स में चला जा रहा है। और जो आप टीन देख रहे हैं और लेड देख रहे हैं, टीन एंड लेड बोथ राइट आर सॉफ्ट मेटल्स, वो क्या होती है सॉफ्ट मेटल्स है। लेकिन ये सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। अभी जो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी मैं यहां पे एक और बात आपको समझाना चाहता हूं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यहां पे जो हम देख रहे हैं वो ग्रुप 13 से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, मैं आपको यहां पे बिल्कुल शॉर्ट में दिखाना चाहता हूं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो हम कंपेयर करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर, राइट, देन दोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। इसका रीजन क्या है कि इन ग्रुप 14 दे फॉर्म फोर बॉन्ड्स विद ईच अदर। यहां पे इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं ग्रुप 14 है वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, फोर बॉन्ड्स बनाएंगे एक दूसरे के साथ, इसकी कोवेलेंसी ही फोर है। हेंस देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स बिटवीन देयर एटम, राइट। और जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ग्रुप 13 में उसकी वैलेंसी बिल्कुल कम है, तीन है। सो दे हैविंग अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन देयर एटम्स बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन द लिक्विड स्टेट्स। सो द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन इज लोअर देन दैट ऑफ द लैड, राइट। तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्यों ग्रुप 14 का ज्यादा है। और जैसे जैसे हम नीचे चले जा रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप, राइट। जैसे जैसे ग्रुप 14 में नीचे नीचे चले जाएंगे तो वो क्योंकि साइज बढ़ रही है इसी वजह से उसका जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होने की वजह है।
तो ये आपको थोड़ा समझ में फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया होगा। अभी हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा कार्बन फैमिली का केमिकल प्रॉपर्टीज का जो डिपार्टमेंट है, तो हम वहां पे आगे बढ़ेंगे। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में शुरू करने से पहले मैं आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सो इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप 14 के बारे में। पहले मैं आपको यहां पे थोड़ा मैं अपनी तरह से दिखाना चाहता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन के बारे में पहले हम देखेंगे, बाद में अदर एलिमेंट्स का हम देखना चाहेंगे। सो द जनरल वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, तो हमें सभी को मालूम है कि वो क्या होता है, NS2NP2 होने की वजह से, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट प्रिंसिपल सेल। सो दस दिस एलिमेंट्स कैन अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशंस आइदर राइट बाय लूजिंग और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन फॉर्मिंग। तो उसका मतलब यह हुआ ना कि ये M+4 और M-4 आयंस तक अपना कैपेसिटी रख सकते हैं। तो अभी देखिए C+4 आयंस के मैं बारे में बात करना चाहता हूं। C+4 आयन हाउएवर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट फर्स्टली, देखिए आप पहली नजर से देखेंगे तो C+4 आयंस के बारे में बात कर रहा हूं। फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, आयंस का मतलब यह है कि वो विथ लव अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। हाउएवर इट डज नॉट एग्जिस्ट फर्स्टली बिकॉज इट्स अ हाईली चार्ज्ड स्पीसीज एंड सेकेंडली इट्स अ फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि देखिए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा। देखिए फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, C+4 आयंस है डज नॉट एग्जिस्ट फर्स्टली राइट बिकॉज इसका पॉइंट क्या है, वहां पे हायर चार्ज्ड स्पीसीज है, वो हायर चार्ज्ड स्पीसीज है। दूसरा क्या होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अभी अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा सेकंडली फॉर्मेशन उसकी, यहां पे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नियर अबाउट 14.26×10³ किलो जूल पर मोल, इतनी मुझे नॉट हाई बट इट्स अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड। सो इसका मतलब ये हुआ कि विच इज नॉट अवेलेबल इन द केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस में इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है। सेम वे ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कार्बन कैन टेक अप 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कार्बाइड आयन, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं C-4 आयंस, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज के पास से लेके हो सकता है कार्बाइड आयन में, लेकिन सच अ प्रोसेस इज ऑल्सो एनर्जेटिकली एंड नॉट फेवरेबल राइट, क्योंकि उसमें भी सेम वही प्रॉब्लम होगा ना कि उसमें भी हाईली चार्ज्ड वो हो जाएंगे राइट right? लेकिन यहां पे हाईली चार्ज्ड का मतलब यहां पे प्रोटॉन के बारे में बात थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, तो हाईली चार्ज्ड है एंड दस रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एडिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी राइट फॉर एडिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पे उसके रखने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो हाउएवर कार्बन एटम्स फॉर्म सम कार्बाइड, जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, Be2C का एक कार्बाइड है, CaC2 का एक कार्बाइड मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड का भी आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड के बारे में भी, इन विच कार्बन इज सपोज टू बी प्रेजेंट आइदर एज ए, यहां पे क्या होगा C2-2 या C-4 आयंस में वो प्रेजेंट हो सकता है। तो ये मैंने थोड़ी कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी, अभी मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे क्या है कि लाइक जैसे मैंने कार्बन के बारे में बात की थी कि कार्बन सिलिकॉन ऑल्सो शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, सो द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं जर्मेनियम है, टीन है, लेड है, विद ए शोज 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 भी दिखा सकते हैं
और प्लस 4, जैसे हमने ग्रुप 13 में क्या बताया था कि देयर टू ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पे 1+1 और +3 थी। इसका इसका रीजन क्या था हमें मालूम है, इसका मतलब है इनर्ट पैर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पैर इफेक्ट का उसका रीजन वहां पे चल रहा है। सो विच अराइज ड्यू टू द इन इफेक्टिव, सो ड्यू टू इनर्ट पैर इफेक्ट से क्या होगा, विच अराइज ड्यू टू द इन इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन्स बाय द इंटरमीनिंग डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स। वो हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट में बारे में हमें पता ही है। सो एविडेंटली एज द नंबर ऑफ डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम जर्मेनियम टू लेड, जैसे हम जर्मेनियम टू लेड की तरफ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बराबर, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम्स मोर एंड मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी। क्या होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी प्रोमिनेंट हो जाएगी। क्लियर, सो एज ए रिजल्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +4, तो इससे क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज, वाइल द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। दूसरे आसान भाषा में हम समझाए, सो इन द अदर वर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजली, राइट, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं जर्मेनियम है राइट, वहां से टीन और वहां से लेड की तरफ हम चले जाएंगे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो उसका स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड बीबी इज द मोस्ट स्टेबल और मोर स्टेबल। दूसरा इन द टेट्रावेलेंट स्टेट में क्या होगा था ना, देखिए मैं अभी आपको टेट्रावेलेंट के बारे में भी बात करता हूं। सो इन टेट्रावेलेंट स्टेट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मोलेक्यूल, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं CCl4 के बारे में बात कर रहा हूं राइट, तो उसमें उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आसपास हो जाएंगे। सो बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मोलेक्यूल दे नाइदर, तो उसका मतलब 8 होने की वजह से उसका ऑक्टेट है वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो गया है, तो अभी वो नाइदर एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है राइट, एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दोनों में से किसी की तरह से वो वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने बोरोन के बारे में दिखाया था तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का ही होता, BF3 था, BH3 था, तो वो उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह थी, यहां पे नहीं है। तो ये मैंने आपको एक और बात यहां पे आपको समझाई है। एक और पॉइंट मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रेंड डाउन द ग्रुप, जैसे फ्रॉम कोवेलेंट टू आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट टू आयोनिक कैरेक्टर किस तरह से यहां पे ट्रेंड है वो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। सो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स हो गए विच शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आर एक्सपेक्टेड टू बी कोवेलेंट, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मुझे मालूम है कि उसका जो कोवेलेंट नेचर है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, वेयर कंपाउंड्स विच शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 और +2 का जो होगा वो बिल्कुल आपको समझने का सिंपल है कि उसमें +2 में आयोनिक का जो नेचर है वो मुझे ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसकी लार्ज साइज एंड स्मॉल चार्ज है। जैसे मैं आपके पास बात करना चाहता हूं SnCl2 है, तो वो क्या होता है आयोनिक होता है, लेकिन जो SnCl4 होता है विच इज कोवेलेंट इन नेचर राइट, तो ये जो मैंने आपको दिखाया था वो आयोनिक सॉलिड कंपाउंड था और ये कोवेलेंट लिक्विड कंपाउंड यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट डिक्रीज, वेयर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टीन, टीन से लेड की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो आप इस तरफ आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो मैंने आपको बोला था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड का जो नेचर है, कोवेलेंट कंपाउंड का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और जो आयोनिक कंपाउंड का जो होगा नेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी एक और पॉइंट जो जिसका जिक्र मैं थोड़ा ज्यादा भी करना चाहता हूं वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग
प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। तो देखिए, मुझे मालूम है कि इनर्ट पैर इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, इनर्ट पैर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जैसे मैंने जर्मेनियम है, इन केस ऑफ जर्मेनियम और टीन और लैड, राइट, दे शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, प्लस टू एंड प्लस फोर रिस्पेक्टिवली। लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, इसका मतलब क्या होगा कि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस वो जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से चलेगा, राइट। और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं बात करूंगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करेगा अपना। फिर से मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, मेरे पास एम प्लस टू है तो वो अभी एम प्लस फोर बन सकता है ना, दो इलेक्ट्रॉन अभी स्टील क्योंकि इसके पास है, तो इसका मतलब ये है ये अभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही प्लस फोर पे पहुंचे हुए हैं वो तो अभी गेन करेगा ना, क्योंकि इसके पास अभी तो और देने के लिए कोई है नहीं, तो एम प्लस टू में चला जाएगा, तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो यहां पे बिहेव करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ गया, राइट। सो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जर्मेनियम, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका, जर्मेनियम का है, तो विच इज मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, फॉलोड बाय टीन एंड लेड। सो मैं आपको क्या बोलूंगा कि मेरे पास जो जर्मेनियम टू के जो सॉल्ट्स हो गए, जर्मेनियम टू के जो सॉल्ट्स मुझे यहां पे मिल रहे हैं, तो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स है, राइट। और इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं देखिए SnCl2 होगा, जैसे मैंने अभी आपको बात कर रहा हूं SnCl2 है, तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, मैं आपको यहां पे एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरे पास है 2FeCl3 है, राइट, मैंने उसका SnCl2 से रिएक्शन करके देयर इज अ स्टील प्ले कि वो क्या SnCl4 पे चला गया है और यहां पे 2FeCl2 में आ गया है। उसी तरह से मेरे पास मर्क्यूरी क्लोराइड का जो पॉइंट है, सेम SnCl2 के साथ मैंने रिएक्शन करवाया तो वो Hg2Cl2 में चला गया, क्योंकि उसका तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ही। उसी तरह से मैंने Hg2Cl2 था, उसका भी मैंने SnCl2 के साथ रिएक्शन करवाया तो वो मर्क्यूरी में चला गया और SnCl4 है। सो जर्मेनियम के में क्या होता है, विच इज लेस एबेंडेंट इन नेचर देन टीन। सो टीन होता है ना, टीन प्लस टू के जो सॉल्ट होते हैं, विच इज वाइडली यूज एज ए वाइडली यूज, मैं यहां पे थोड़ा इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं, वाइडली यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। देखिए प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है जो लेड की, मैंने आपको दिखाने की जो मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, तो क्या होगा, ऑफ लेड इज मोर स्टेबल फॉलोड बाय टीन एंड जर्मेनियम। तो पीबी के जो चार वाले सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैं अभी आपको पीबी के जो फोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले सॉल्ट होते हैं, राइट, तो क्या हो गए, दे आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं पीबीओ टू है, या मैं आपको दिखाना चाहता हूं लेड टेट्रा एसिटेट, लेड टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेट को मैं यहां पे ओसीओ CH3 4, तो ये दोनों है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो बिहेव करेंगे, क्योंकि उसको तो नीचे चले जाना है, टू में जाना है। मैं एक आपको एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मेरे पास लेड ऑक्साइड है तो मैंने उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे रिएक्शंस करवाया तो वो चला गया है PbCl2 में, फिर Cl2 और H2O, तो उसका क्या होगा, जो प्लस फोर वाला बंदा था वो प्लस टू, क्योंकि उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर, तो उसने अपना खुद का क्या करवाया, उसने अपना खुद का क्या करवाया, रिडक्शन, सामने वाला का क्या किया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो माइनस वन में से जीरो में चले गए हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है कि उसका जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो नेचर है वो क्या है। एक और बात मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, वो है मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी के बारे में भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, जो कार्बन में क्या होता है, जैसे मैंने कार्बन के बारे में बात की तो उसमें डी ऑर्बिटल्स तो एब्सेंट ही होती है, राइट, वो वहां पर अवेलेबल नहीं है।
सो कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स वैलेंस एलिमेंट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी, या हम उसको बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, 4 पे ही होगा, उससे तो ज्यादा नहीं हो सकता है। हाउएवर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है, उसमें तो वैकेंट जो मेरे पास डी ऑर्बिटल्स होती है, डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। सो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 से ज्यादा यानी 5 होगा या 6 होगा, वो हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाना चाहता हूं SIF5 माइनस पॉसिबल है, इस तरह से SIF6 माइनस 2 भी पॉसिबल है, जैसे मैं जर्मेनियम का हेक्साक्लोराइड भी पॉसिबल है, उसी तरह से टीन का हेक्सा हाइड्रोक्साइड भी क्या है, पॉसिबल है, लेड है, लेड उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या है, पॉसिबल है। उसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूं PbCl6 का भी जो माइनस 2 पोजिशन है वो भी पॉसिबल है। देखा, सो इन दिस कॉम्प्लेक्स द सभी में मैंने आपको दिखाया जो सभी कॉम्प्लेक्स जैसे है, तो वहां पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मुझे दिखाई देगा। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टेट्राहेलाइड, तो उसकी मदद से वो हाइड्रोलिसिस में भी चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्टिविटी उसकी हम शुरू करेंगे विथ ऑक्सीजन, विथ वाटर, विथ हैलोजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।